ये कहता है कि देखो ईटा इज ए कॉन्स्टेंट है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा अभी निकाल के लेके आए थे, ठीक है, काफ़ी बार याद हो गया होगा इसको, डायमेंशनल फार्मूला ईटा का एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन होता है, इसको कर लेना, ठीक है, वी ऑलरेडी नो इट। अगर आपको नहीं आता फिर भी मैं एक बार इसको कर देता हूँ आपके लिए। तो ईटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो एफ एफ डेल्टा जेड, एफ डेल्टा जेड, एफ ए और डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा जेड क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो डेल्टा जेड लेंथ है। फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, और डेल्टा जेड लेंथ है क्योंकि ग्रेडियंट लेंथ होता है, ग्रेडियंट बताया गया ना भाई, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट लेंथ ही होता है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। चलो एरिया एल का स्क्वायर और ये आ गया वेलोसिटी एल टी माइनस वन, तो एक एल स्क्वायर ने एक एल स्क्वायर को ये सब खत्म कर दिया, तो यह जाएगा एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस वन। देखो दैट इज ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है।